الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب فَلَيْسَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं सो अपने भाइयों में सुलह कराओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए ईमान वालों मर्द दीगर मर्दों का मजाक न उड़ाएं ऐ मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो और न खवातीन दीगर खवातीन का मजाक उड़ाएं ऐ मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो और एक दूसरे को ताने ना दो और एक दूसरे को बुरे नामों से न बुलाओ गुनाह का नाम लेना भी ईमान लाने के बाद बहुत बुरा है और जो बात ना आए वो भी जाली है ईमान वालों बहुत ज्यादा बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बास गुमान तो गुनाह होते हैं और तजस्सुस न करो और न कोई किसी की गिबत करे क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए तो तुम इस बात को नापसंद करोगे अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला नहायत रहम करने